इमरान प्रतापगढ़ी यहां खड़ा है, यहां हर समाज के लोग बैठे हैं, सर्व समाज के लोग बैठे हैं। कभी कभी आपके इस जिले को नफरत की हवाओं में जकड़ने की कोशिश की जाती है। मैं यहां खड़ा होकर चार पंक्तियां पढ़ता हूं। मैं प्रतापगढ़ का हूं, मेरी पढ़ाई जहां हुई इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, वहां संगम है, गंगा और यमुना का संगम होता है, तो अदृश्य सरस्वती उपजती हैं। मैं ऐसी सरजमीन से आया हूं और चार पंक्तियां पढ़ता हूं के चाक है जिगर फिर भी वाँ 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 वाँ। आए हैं रफू कर चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू कर के जाएंगे हकीकत से वाँ 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 वाँ। तुमको रूबरू कर जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम नमाज पढ़ते गंगा में वजू करके। भाई इमरान साहब बहुत बहुत नमाज पढ़ते हैं, बहुत दिनों बाद क्या कहना, गंगा में वजू करके। सलाम करता हूं आपकी इन बेपनाह मोहब्बतों को। अब थोड़ी देर गुजारिश करूंगा कि आप जहां हैं जैसे हैं बैठ जाएं, ताकि मैं थोड़ी देर गुफ्तगू कर सकूं आपसे, थोड़ी देर बातचीत कर सकूं। बड़ी तादाद में आप यहां इकट्ठा हैं। सबसे पहले तो मैं हाजी रुखसार साहब को बहुत मुबारकबाद दूंगा, जिस तरह से उन्होंने ये महफिल सजाई, जिस तरह से हजारों का हुजूम इकट्ठा किया, और क्या जिंदा दिल सामईन है आप। मैं आपको सलाम करता हूं। मैं जब से आया हूं देख रहा हूं कि आपका जोश आपका जज्बा कम नहीं हुआ है। बस मेरे नौजवान साथियों, उधर जो बाईं तरफ कुर्सियों पर लोग बैठे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूं, वो जो स्क्रीन में देख रहे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि इधर देखें, मैं लाइव ज्यादा खूबसूरत लगता हूं, ऐसा बड़े बुजुर्ग कहते हैं, तो इधर देखें, बहुत खूबसूरत महफिल है। सबकी मौजूदगी को सलाम करता हूं, और मैं चाहता हूं कि यहां बैठा एक एक शख्स एक बार हाजी रुखसार साहब के लिए ताली बजाए कि उन्होंने आज ये खूबसूरत सी शाम सजाई। उन्हें बहुत मुबारकबाद दूंगा। बाकी बहुत दिन बाद आज अपने शायर दोस्तों के साथ उनकी महफिल में आया हूं, सोचता रहता हूं कि ऐसी कोई शाम जुटे तो थोड़ा सा जो दुनिया की फिक्र है और जो दुनिया का गम है उससे उबरने का मौका मिले, और शायरों के बीच में बैठूं तो पुराने दिन याद आए। आज वो दिन मिला है। चार मिसरों से अपने सफर की शुरुआत करता हूं, थोड़ी देर आपके दरमियान रहूंगा। इस शहर से था एकदम अनजान चलाया। इधर जो दाहिनी तरफ बैठे हैं इधर सबकी शिरकत हो, पूरा मुशायरा रात भर ये दो जो दो तरफ बैठे हुए लोग हैं इन्होंने चलाया है। अब मैं चाहता हूं कि ये पूरा मुशायरा पूरा मजमा चलाए तो अच्छा रहेगा। इस शहर से था एकदम अनजान अनजान चलाया, वाह वाह, बनने के लिए दिल का वाह मेहमान चलाया, बनने के लिए दिल का मेहमान चलाया। कुछ तो थी कशिश यारों
मजबूर जो हो करके इमरान, मजबूर जो हो करके इमरान चलाया। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं थोड़ी देर में अपने तेवर में आने की कोशिश करूंगा, इसी तरह से आपको देखना कि मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो, मुझसे मेरे होने की। अगला मिसरा पुकारेगा आपको कि मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो, वाँ वाँ। जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो। वाँ वाँ। मेरी सांसों में जलती बारूदें तो भर सकते हो। वाह, अब तैयार रहना कि मेरी सांसों में जलती बारूदें तो भर सकते हो, लेकिन तुम मुझसे मेरा ईमान मुझसे मेरा ईमान नहीं ले सकते हो, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और मैं खास तौर से चौथी पांचवी छठवीं क्लास में पढ़ रहे बच्चे हैं, मैं उनको मुबारकबाद दूंगा और उनके वालिदैन को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने बच्चों की तरबियत और परवरिश ऐसी की है कि उन्हें पता है कि मुशायरों में किस अदब के साथ, मोहब्बत के साथ मुशायरा सुना जाता है। नई नस्लों तुम्हें सलाम। और आज यहाँ आ करके अपनी आंखों से इसे महसूस भी किया। सलाम करता हूँ आपको के अपने शहर की ताजा हवा लेके चला हूँ, हर दर्द की यारों में दवा लेके चला हूँ, मुझको यकीन है के रहूंगा मैं कामयाब, रहूंगा मैं कामयाब, मुझको यकीन है के रहूंगा मैं कामयाब, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ, क्योंकि घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ। बहुत शुक्रिया।